हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हुई है दो धमाकेदार फिल्म्स रिलीज, एक बॉलीवुड की यानी कि जरा हटके जरा बचके, और वहीं एक फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स ये भी रिलीज हुई है। अब इन दोनों ही फिल्मों की बात करें तो आप सोचेंगे कि यार ये दोनों फिल्में तो एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन दोस्तों हम इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं बता रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन फिल्म्स की बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करेंगी। भाई दोनों की अगर पहले दिन की बात करेंगे तो दोनों ही फिल्म अपने अपने रिलीज डेट पर काफी अच्छा कमाल करके निकली है। सबसे पहले बात करते हैं सारा अली खान और विक्की कौशल की फिल्म जरा हटके जरा बचके। भाई इस फिल्म के प्रमोशन के लिए ना इन दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर जगह हर शहर जाकर इन्होंने इस फिल्म का प्रमोशन किया। आपको बता दें तकरीबन 1500 स्क्रीन्स पर यह फिल्म रिलीज की जानी थी, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर की यह फिल्म क्या कमाल करेगी आने वाले दिनों में ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर बात करें फर्स्ट डे कलेक्शन की तो वो खास कमाल नहीं कर पाया। जितनी ज्यादा इस फिल्म से उम्मीदें लगाई गई थी ये फिल्म उतना खास कमाल नहीं कर पाई, ये कहते हुए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। भाई सारा अली खान और विक्की कौशल जैसे स्टार्स होने के बावजूद ये फिल्म इतनी अच्छी कमाई नहीं कर पाई। आपको बता दें 2 घंटे 12 मिनट की ये फिल्म पहले 1500 स्क्रीन पर रिलीज की जानी थी, हालांकि बाद में ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म का बजट है 40 करोड़ और पहले दिन इस फिल्म ने 1.75 से लेकर 2.25 करोड़ तक का कलेक्शन किया। इस बीच प्रेडिक्शन ये आई कि तकरीबन 4 करोड़ का ये बिजनेस कर सकती है पहले दिन, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पहले ही दिन जो प्रेडिक्शन थी वो खत्म हो गई, वो बदल गई। इसके बाद अगर बात करें आने वाले डेज की तो ये हो सकता है कि वीकेंड के वक्त पर सारा अली खान और विक्की कौशल की ये फिल्म थोड़ा सा अच्छा कुछ कमाल कर पाए। दूसरी जगह अगर बात करें स्पाइडरमैन की तो भाई स्पाइडरमैन जो है इस बार तो भाई काफी ज्यादा छा गए हैं। हॉलीवुड फिल्म की मैं बात करूं तो उसकी ओपनिंग तो काफी अच्छी हुई है। जी हाँ, पहले ही दिन 5 करोड़ का कलेक्शन करने वाली ये फिल्म दूसरे नंबर पर आ गई है, क्योंकि इससे पहले हॉलीवुड की फास्ट एक्स रिलीज हुई थी जिसने अपने पहले दिन तकरीबन 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि ये प्रेडिक्शन भी सामने आ रहा है कि स्पाइडरमैन जो है इस बार ये फिल्म इस फास्ट एक्स को पीछे छोड़कर आगे निकल सकती है। बात करें इस फिल्म की तो 2018 में हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स को ऑस्कर मिला था। फिल्म को बेस्ट एनिमेशन फिल्म के लिए पुरस्कार भी दिया गया था। इस फिल्म के रिलीज के तकरीबन 5 सालों के बाद अब इस फिल्म का सीक्वल आया है जो 1 जून 2023 को रिलीज हुआ। फैंस इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अब ये फिल्म का पहले डे का कलेक्शन भी सामने आ गया, तकरीबन 5 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म ने किया। आपको बता दें स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में कॉस्ट्यूम शुभमन गिल, सौदामिनी राजेश कावा, नताशा जॉन, ईश ठक्कर, वल्लभ भिंगारे और अर्चित मौर्य ने हिंदी में डबिंग किया है, इस वजह से लोग इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वेल, ये तो था दोस्तों स्पाइडरमैन का फर्स्ट डे कलेक्शन, लेकिन हम अगर इन फ्यूचर की बात करें तो भाई तकरीबन इस फिल्म की कलेक्शन काफी अच्छी हो सकती है, ऐसा इसके कुछ आंकड़े बता रहे हैं। तो अब देखना यह है कि ये दोनों ही फिल्में जो सिर्फ एक दिन के गैप में रिलीज हुई है ये क्या कमाल करके दिखाती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्में बीट।